एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पेयर जो दिया है ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमें बताना है सच दैट कि ए को बी से डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए। आप कोई से भी इंटीजर सोच लीजिए कि ए को बी से डिवाइड करने पे आंसर विल बी माइनस। वन सच पेयर इज, उसमें से उसने एक पेयर दिया 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं +6 -2, टू इंटीजर्स दिए थे, ए की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पे 6 और बी की वैल्यू दे दी हमें -2, तो 2 3 6 हो जाएगा और साइन एक प्लस का एक माइनस का तो -3 आ जाएगा। तो बिकॉज यहाँ डिवाइड करके उसने रीज़न बता दिया, सिक्स को डिवाइड किया -2 से तो -3 आ गया। इस प्रकार से अब हमें आगे पेयर्स बताना है, तो बहुत सारे पेयर्स हैं, लिख दीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी माइनस का तो लाना चाहिए। तो एक बार पॉजिटिव ले दो, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, इस प्रकार से ले लेंगे और उसको डिवाइड करने पे, तो जैसे आया कि यहाँ पे हम टेबल ले ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ ये 6 लिया है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 9 लेता हूँ और 9 तो 3 3 9, तो ये 3 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू 3, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब माइनस का ला रहे तो -3 कर देते हैं और -9 + 3, इस प्रकार से हो जाएगा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो वी विल गेट मेनी पेयर्स, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन अ पेपर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन, फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी -3। तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइव पेयर्स जो है, जैसे मैंने ए की वैल्यू लिखी या से 12 लिखी, तो 12 को कहाँ से डिवाइड करो 3 आ जाए तो -4, एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 9 लिखा मैंने तो 9 को कहाँ से डिवाइड करूँगी -3 से, ये सेकंड पेयर आ गया। और आगे तो दूसरा भी ले सकता हूँ मैं, जैसे ये 9 डबल कर दिया तो 18 हो गया है, अब 18 को कहाँ से डिवाइड करूँ मैं तो -3 आ जाए तो 6 से, और साइन कौन सा है माइनस का कर दूंगा, इस प्रकार से ये कितना हो गया 3 पेयर्स हो गए। अब दो और बताना है हमें, 2 और बताना है, तो कोई सा भी ले लो यहाँ पे, मैंने ले लिया डिविजिबल बाय 3 रहना चाहिए, तो जैसे मैंने 24 ले लिया, 24 को 8 से डिविजिबल करा, तो 8 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये -8 8 = 24, इस प्रकार से। एक लास्ट पेयर और ले लेते हैं, बढ़ाते जाओ, तो इसको कर दिया मैंने 27 ले लिया, तो ये हो जाएगा 27, तो 27 ले लिया, 27 को कहाँ से डिवाइड करा 9 से, 9 3 = 27, तो ये हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार से ये 5 पेयर्स आ गए हैं हमारे पास में, जो इस फॉर्म में ए, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, तो ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, वी विल गेट -3। तो यहाँ पर देखो 4 3 = 12 -3 3 3 9 -3 6 3 18 -3 8 3 = 24 -3 9 3 = 27 -3, इस तरह से ये पेयर आ चुके हैं, 5 पेयर्स।